hello students welcome back again in my youtube channel study at home with sandeep tripathi so students in today's video i have taken one more chapter of uh, rashna sagar book of unit 5 which is section b so in today's video i will explain the golden boy of hockey and uh, those students who are new to my channel to whom i would like to tell you that already i have finished unit 4 unit 3 unit 2 and unit 1 all right एंड सेक्शन एफ यूनिट फाइव सो टूडे आई विल कवर सेक्शन बी सो अगर अभी तक आपने इन सारे चैप्टर्स को ना देखा हो यूनिट वन टू थ्री फोर एंड फाइव पर सेक्शन है सो आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइए क्लास के अगर बुक तो लिटरेचर के नाम से आपको एक फोल्डर मिल जाएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर द गोल्डन बॉय ऑफ हॉकी so let's start so what the story is saying that as a teenager lizly often एन school to play football to तो यहाँ पे किसकी बात है लीजली की बात चल रही है ye ये बच्चा है ओके आगे बहुत ही अच्छा जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट हो स्टोरी में आई मीन बेसिक्स ना मालूम हो तो आप इस पैराग्राफ को ज़रूर पढ़िए तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा ये लीजली कौन है इनका इंडियन स्पोर्ट्स से क्या रिलेशन रहा है तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा बाकी की स्टोरी में आती हैं सो so, लीजली जब टीनीजर ग्रुप में थे टीन ग्रुप में थे तो होता क्या था अक्सर वो अपने स्कूल से फुटबॉल खेलने के लिए निकल जाया करते थे अक्सर अपने कई बार होता क्या था वो अपने स्कूल को स्किप कर दिया करते थे यानी कि स्कूल नहीं जाया करते थे या स्कूल टाइम में बीच में कोई कोई एक्सक्यूज़ देकर के बंक मार जाते थे एंड उनका यानी कि मेन इंटरेस्ट किस में था फुटबॉल मैच में था फुटबॉल काफ़ी पसंद था उन्हें ही डेंट हैव मच इंटरेस्ट इन हॉकी यहाँ पे देखिए एक और गेम का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि हॉकी में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो यहाँ पे लॉजिक है कि आखिर कैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीजली को क्या दिखाया जा रहा है हॉकी और चैप्टर का आप नाम देखें वो भी हॉकी है तो आखिर जब उनका इंटरेस्ट किस में था बॉल फुटबॉल में था तो आखिर हॉकी के वो इतने बड़े गोल्डन बॉय कैसे बन गए स्टोरी को जानते हैं सो हाव अ स्ट्रेंज इवेंट चेंज द कोर्स ऑफ लीजलीज फ्यूचर तो एक बहुत ही अजीबो गरीब घटना ने इवेंट ने क्या कर दिया लीजली के फ्यूचर को बिल्कुल से बदल करके रख दिया यानी कि एक्चुअली में वो क्या थे फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे उनका इंटरेस्ट भी बेटा फुटबॉल में ही था बट उन्हें लास्टली वो उन्होंने उन्हें क्या खेलना पड़ा हॉकी खेलना पड़ा तो वॉट वॉज द रीजन लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पैसेज स कहानी स्टार्ट होती है इन द ईयर 1946. 1946 की बात है ड्यूरिंग द बैंगटन कप हॉकी टूर्नामेंट इन कैलकटा कैलकाटा में बैंगटन हॉकी कप चल रहा था और फिर हुआ क्या कि वन ऑफ द प्लेयर ऑफ बेंगाल नागपुर रेलवे हॉकी टीम गॉट इंजर्ड सो एक टीम वहाँ पे थी जिसका को कहाँ की टीम थी बेंगाल नागपुर रेलवेज हॉकी टीम थी जिनका एक प्लेयर क्या हो गया था इंजर्ड हो गया घायल हो गया इस वजह से क्या हुआ लीजली क्लाउडियस अ फुटबॉल प्लेयर जो कि क्या था एक फ़ुटबॉल प्लेयर थी वॉज आस्ट उनसे पूछा गया टू ज्वाइन एज ए रिप्लेसमेंट फॉर द इंजर्ड हॉकी प्लेयर यानी कि उनकी टीम को में कोई भी प्लेयर नहीं मिला तो उन्होंने किससे किसको ऑफर किया लिजली क्लाउडियस को ऑफर किया कि आप ऐसा करिए हमारे उस इंजर्ड हॉकी प्लेयर की जगह पे आप आ जाइए जिससे कि एटलीस्ट हम गेम तो खेल पाएं आगे फिर क्या हुआ डिस्पाइट है लो लेवल एक्सपर्टीज इन द गेम अब देखिए है क्या कि अब हॉकी में तो उनका ज्यादा एक्सपर्टीज था नहीं बहुत ही लो लेवल का था चूँकि उनका मेन गेम क्या था वो था फुटबॉल uh, था तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिस्पाइट हैविंग लो लेवल एक्सपर्टीज इन द इन द गेम उस गेम में बहुत ही कम एक्सपर्टीज बहुत ही कम कुशल होने के बावजूद क्लाउडियस प्लेड इम्प्रेसिवली उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला लिटिल डिड क्लाउडियस नो दैट ही वुड नेवर रिग्रेट दैट मोमेंट और उसके बाद जो क्लाउडियस ने जो वहाँ परफॉर्मेंस दिया उससे वो यहाँ पे कहने वो कभी भी अपनी उस उस घटना से उन्होंने पछतावा फील नहीं किया होगा कि अरे मैंने हॉकी क्यों खेल लिया क्यों क्योंकि क्लाउडियस रिमेंड अ पार्ट ऑफ हॉकी टीम इवेन आफ्टर द इंजर्ड प्लेयर है क्या बेटा यहाँ पे कि देखिए एक्चुअल में जो क्लाउडियस थे क्लाउडियस को किसकी जगह पर लाया गया था उस इंजर्ड प्लेयर की जगह पर लाया था जो चोटिल हो गए थे पहले गेम में लेकिन जब वो इंजर्ड प्लेयर जब ठीक ठाक हो गए तो बेसिकली होना क्या चाहिए था कि क्लाउडियस को टीम से हटा देना चाहिए था क्यों क्योंकि वो हॉकी के एक्सपर्टीज थे फुटबॉल में उनका ज्यादा इंटरेस्ट सॉरी फुटबॉल के प्लेयर थे हॉकी में उनका ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं लेकिन हुआ क्या देखिए उनके गेम की वजह से जब हुआ क्या क्लाउडियस रिमेन द पार्ट ऑफ हॉकी टीम वो हॉकी टीम के मेंबर बने रहे इवन आफ्टर इंजर्ड प्लेयर हैड है जब इंजर्ड प्लेयर रिकवर हो गए वो ठीक हो गए इसके बावजूद अपने उस टीम का वो हिस्सा बने रहे तो इसका मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला होगा उनके कोच ने पहचाना होगा कि वाकई ये बहुत अच्छा गेम खेल सकते हैं सो विद दिस लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज एंड ट्राई टू फिनिश द स्टोरी So, students, now we are at the second page, and again, I will uh, appeal from you all that whoever has not liked this video, please have a thumbs up, have a like uh, for this video again, please give thumbs up. आप लोग लाइक ज़रूर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेटा शेयर करने की कोशिश करिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे जितने व्यूज़ आएंगे जितने लोग देखेंगे आई फील दैट कि हाँ मेरा जो एफ़र्ट है आप लोगों के लिए वो वाकई कारगर यूज़फ़ुल सिद्ध हो रहा है यूज़फुल प्रूफ हो रहा है सो so आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें एंड जो बच्चे नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करिए और फिर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना होने पाए और हाँ जिन भी बच्चों को इस बुक की या इस चैप्टर के नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो कि एट फाइव ज़ीरो सिक्स एट नाइन ज़ीरो एंड एट सिक्स एट इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको बस एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा जिसका डिटेल मैं आपको व्हाट्सअप पर भे भेज दूंगा और उसके बाद आपको इस चैप्टर के नोट्स ईजिली मिल जाएगी इस पूरे बुक का नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं सून बहुत ही जल्द द ओलंपिक्स द लंडन गेम्स वर राउंड द कॉर्नर यानी कि बहुत ही जल्द क्या स्टार्ट होने वाला था ओलंपिक्स स्टार्ट होने होने वाला जो लंडन गेम्स से मतलब लंडन में जो गेम होना था ओलंपिक होना था वो स्टार्ट होने वाला था एंड लीसली क्लाउडियस वॉज ग्रेटर आप टू बिगिन हिज मैग्निफिशियंट जर्नी इन द फील्ड ऑफ हॉकी और क्लाउडियस ने अपनी जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गियरअप किया बहुत ही अच्छे से मजबूत यानी और ज़्यादा प्रैक्टिस किया अपने उस हॉकी मतलब हॉकी फील्ड हॉकी का जो उन्होंने अब हॉकी खेला उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपनी इस जर्नी को उन्होंने और मजबूत किया कैसे ही? और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही बिगन प्रैक्टिसिंग फ़ॉर द सेलेक्शन ट्रायल्स अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया देखिए अब यानी कि अब वो हॉकी के लिए प्रैक्टिस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया सो ही बिगन प्रैक्टिसिंग सलेक्शन ट्रायल तो सलेक्शन के जो, जो ट्रायल होना था उसमें सेलेक्शन पाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया एंड एज इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टू गेट नियर टू हिज ड्रीम क्योंकि पहला कदम था उनके अपने सपने के पास जाने का कौन सपना था उनका ऑफ प्लेइंग इन द ओलंपिक्स ओलंपिक्स में खेलने के जो उनका सपना था वो बहुत ही करीब था और उसका पूरा करने का ये पहला कदम भी उनके सामने था एंड ही परफॉर्म ब्रिलियंटली एज अ डिफेंडर और हॉकी टीम में डिफेंडर के फॉर्म में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया ही मैनेज टू स्कोर अ फील्ड गोल और उन्होंने कोशिश करके क्या किया एक फील्ड गोल कर दिया एंड दिस काट द आई ऑफ द नेशनल सेलेक्टर्स और जो नेशनल सेलेक्टर्स से जो हॉकी प्लेयर्स को चूज कर रहे थे इस तरह से वो उनकी नज़रों में पड़ गए यानी कि उन्होंने उनको उन्हें चूज़ कर लिया सेलेक्ट कर लिया क्लाउडियर्स को अपकमिंग गेम के लिए जो कि ओलम्पिक्स के होने थे एंड ही हैड ई इवन फ्रैक्चर हिज हैंड यहाँ तक कि उनका क्या हुआ है एक हाथ भी उस ड्यूरेशन पर फ्रैक्चर हो गया बट ही मैनेज टू प्रूव हिज वर्थ इन द सेलेक्शन ट्रायल इन जो सेलेक्शन का जो ट्रायल होना था उस पर उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस को प्रूफ कर दिया कि वो बहुत ही यूजफुल हैं देट फॉलो द आगा खान टूर्नामेंट और इसके बाद उन्होंने कौन सा टूर्नामेंट खेला आगा खान टूर्नामेंट खेला और जिसमें क्या किया उन्होंने तो बुक हे सीट टू तो लंडन गेम्स और अपनी एक टिकट उन्होंने बुक कर लिया जो लंडन गेम्स लंडन में जो गेम्स होने थे वहाँ के लिए इस तरह से उन्होंने क्या किया अपना एक टिकट फिक्स कर लिया यानी कि उन्हें एंट्री मिल गई उन्हें जो है सेलेक्ट कर लिया गया एंड ही ट्वेंटी उनकी जो एज थी जस्ट ही शानदार भविष्य भी दिखाई दे रहा था एंड एट लंडन गेम्स जब लंडन का गेम्स स्टार्ट हुआ वहां पर जब ओलंपिक से स्टार्ट हुए इट टूक लीज दू एनाइज हिस्स ओपोनेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लीजली को बहुत ही कम समय लगा अपने अपोनेंट्स यानी विरोधियों की पावर को और उनकी कमजोरियों को पहचानने में बहुत ही जल्द उन्हें भाँप लिया कि हमारे जो अपोजिट में जो टीम है उनकी क्या पावर है और क्या कमज़ोरी है और जब आप ये जान जाते दे तो डेफिनेटली आप किसी कमजोरी का फायदा उठा करके एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं नाउ हिज हैंड एंड ब्रेन कोआर्डिनेशन वो सुपर बाकी बताया जा रहा है कि लंडन गेम्स में उनका जो हाथ का और ब्रेन का जो कोआर्डिनेशन था बहुत ही शानदार था यानी कि वो दिमाग का भी उन्होंने बहुत ही बाखूबी इस्तेमाल किया साथ उन्होंने हाथ का यानि कि हॉकी के साथ ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया एंड ही मैनेज जस्ट वन मैच इन लंडन और उनके लिए एक मैच में उन्हें मैनेज करने का मौका मिला वेयर इंडिया वन इट फर्स्ट गोल्ड और पहले ही मैच में उन्होंने इंडिया को क्या जिता दिया पहला गोल जिता दिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्र की जब पहला जो गोल था उन्होंने उनको हॉकी में दिला दिया था द विक्ट्रीज एट हेलिंस एंड मेलबर्न सॉज स क्लाउडियस मेक इट हैट्रिक ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडल यानी कि इसके बाद क्या हुआ हेलेंसकी में भी गेम हुआ मेलबर्न में भी गेम हुआ और उन दोनों में ने भी उस, उन दोनों मैचों में भी उन्होंने क्या दिया भारत को गोल्ड जिताया और इस तरह से उन्होंने क्या किया ओलंपिक में हैट्रिक लगा दिया था लगातार तीन गोल्ड मेडल उन्होंने जिताने का काम किया भारत को एंड इन 1959 अब समय आ गया था नाइनटीन का इंडियन हॉकी टीम वेंट ऑन अ टूर ऑफ यूरोप ये यूरोप के टूर पे गया यानी यूरोप गया खेलने के लिए एन फॉर द फर्स्ट टाइम और पहली बार ही वो एस अपॉइंटेड एज अ कैप्टन ऑफ द टूर और अब क्लाउडियस को क्या बना दिया गया था उस हॉकी टीम का कैप्टन बना दिया गया था विद ध्यानचंद ये नाम तो आपने सुना ही होगा कि हॉकी के जो जादूगर कहलाते हैं वो ध्यानचंद कहलाते हैं सो विद ध्यानचंद एज अ कोच ऑफ द टीम और उस टीम के जो कोच थे उसके कौन थे मिस्टर ध्यानचंद थे एंड आउट ऑफ द नाइनटीन मैच दैट इंडिया प्लेड और उस इवेंट में उस गेम में इंडिया ने कुल बेटा 19 मैचेस खेले एंड इट 15 जरा सोचिए 19 में से 15 मैचों को किसने जीता इंडिया ने जीता एंड ड्रॉइंग थ्री और तीन उसमें से क्या हुए ड्रॉ हुए मतलब जो बराबरी पे खत्म हुए लॉसिंग जस्ट वंस और केवल एक मैच उन्होंने हारा यानी कि 19 मैचों में से केवल एक मैच में उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी बाकी मैचों पे उन्होंने अपना कब्जा जमाया उसे जीत के साथ हासिल किया और तीन मैचेस मैच ड्रॉ रहे लेटर। एट रोम लगभग एक साल के बाद जब रो, रोम में मतलब कोई गेम हुआ लीजली जस्ट लेट मी फाइंड आउट लीजली होप टू तो बिकम द फर्स्ट हॉकी प्लेयर टू तो मेक इट फोर गोल्ड मेडल्स इन अरू अब रोम में गेम होना था अगर रोम में भी इंडिया अगर हॉकी प्लेयर में गोल्ड मेडल जीत जाती है तो लीजिए कि ऐसे प्लेयर पहले हो जाते हैं दुनिया के जिन्होंने लगातार चार गोल्ड मेडल जीतने का काम किया सो मेक इट फोर गोल्ड मेडल्स इन जो लगातार क्या करते हैं कि चार गोल्ड मेडल जीतते नाउ दिस वॉज नॉट डिस्टाइन टू बी पाकिस्तान बीट इंडिया बाय सिंगल गोल इन द फाइनल लेकिन किस्मत ने थोड़ा सा उनका साथ नहीं दिया और उस फाइनल मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को महज एक गोल से क्या कर दिया हरा दिया एंड इट वॉज परसिवड एज डिज़ास्टर फॉर इंडियन हॉकी और इंडियन हॉकी में ये जो हार थी एक डिज़ास्टर की तरह आई एंड केम एज अ बिगेस्ट डिसअपॉइंटेड टू सोरिंग करियर और क्लाउडियस के करियर में सबसे बड़ा एक डिस डिसअपॉइंटमेंट के रूप में आया क्योंकि बेसिकली बेटा आप लोग जानते हैं कि बेसिकली आप किसी और कंट्री से क्यों ना हार जाते इतना दुख नहीं होता लेकिन जब आप पाकिस्तान से हारते हैं तो एक अलग ही डिप्रेशन आपके दिमाग में आ जाता है ना वेल लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लाइन केम एज बिगेस्टिशन वी है इट डिड नॉट टर्न आउट एज अ प्लान टू डिफीट द फाइनल

कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं लगा क्यों क्योंकि वो अपने आप में बस एक डिसअपॉइंटमेंट में चले गए थे डिसअपॉइंट हो गए थे कि आखिर हम भला एक गोल से कैसे पाकिस्तान से वो भी हार गए सो वेल स्टूडेंट्स विद दिस चैप्टर हैज़ बिन फिनिश्ड आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस चैप्टर आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन बट स्टूडेंट्स अगेन आई विल सजेस्ट यू ऑल कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें एंड आई होप आई एम श्योर इवन कि इसके बाद आपको डेफिनेटली दो, दो बार वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा एंड ऐसा अगेन बेटा आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इस मेहनत के लिए एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है क्यों लाइक से कुछ होना नहीं बस ये कि मुझे एक मैसेज मिलता है कि हाँ आप लोग वाकई uh, मेरा एफर्ट को अप्रिसिएट कर रहे हैं मेरा एफ़र्ट आप लोगों के लिए यूज़फुल प्रूव हो रहा है साथ ही साथ आप लोग बेटा जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके सारे क्लासमेट्स के साथ सारे फ्रेंड सर्किल में शेयर करें जिनके भी क्लास में ये बुक चल रही हो जिससे कि उनके लिए यूजफुल कंटेंट उनको प्रोवाइड हो सके सो so, चलिए मिलते हैं फटाफट एक अगले चैप्टर के साथ और मैंने फिर से कहूँगा मैं वही बात कि जितना ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे कमेंट्स आएंगे फीडबैक्स आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और उतनी ज़्यादा वीडियोज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा सो जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स एंड ड्रॉप योर कॉम्प्लीमेंट्स हिट अ लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज यू कैन थैंक यू सो मच एवरी वन सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो